वेलकम टू अनी व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। मैं आ गई हूँ किचन में चूड़ा बनाने के लिए। मैंने एक व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम एक नई चीज़ शुरू करने वाले हैं और दो दिन बाद उसी चीज़ के लिए ही ये सारी प्रिपरेशन चल रही है। जिस दिन ये चीज़ शुरू होंगी, सेलिब्रेट होगा, उस दिन तो मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो आज तो कुछ प्रिपरेशन चल रही है, तो मैं सोची ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चूड़ा के लिए सब कुछ रेडी है, बर्तन भी उतार लिए हैं मैंने, यहाँ पे है सब कुछ, थोड़ा सा मैसी होके है। तो चलो अभी बना लेते हैं चूड़ा। चूड़ा भी मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, बट अभी फंक्शन में चूड़ा की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ घर पे। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहना, और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चूड़ा बनाने से पहले हमें तो मिर्ची काटनी पड़ती है चूड़ा में डालने के लिए, तो इसके लिए ना मैंने ये चीज़ मंगवाई है मेरे हस्बैंड के थ्रू, क्योंकि ऑनलाइन मंगवाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था और मैं हाथ से मिर्ची नहीं काट सकती, क्योंकि मेरे हाथ में वैसे भी किसी मिर्ची या फिर बैंगन वगैरह से एलर्जी होती है। तो मैंने ये चीज़ मंगवाई है और फर्स्ट टाइम मंगवाई है, मैंने इससे पहले कभी इससे सब्ज़ी को काटा नहीं था, लेकिन बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था इसमें ये मिर्ची काटने का। मैंने जितना होप किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला। ये बस काम चल रहा था और मुझे ना आधी से भी कम मिर्ची यूज़ करना पड़ा, क्योंकि ये कट नहीं रहा था और मैं हाथ से काटूँ ये टाइम भी नहीं था, इसलिए जितना हो पाया मैंने उतना ही काटा उससे। मैं तो प्रीफर करूँगी कि वैसा वाला चीज़ आप ना ही लो मार्केट से, भले ही वो लोग दिखाते हैं वैसे, बट उतना ज़्यादा अच्छा और नहीं होता है ये सारी चीज़ें। तो चलो यहाँ पे चूड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल के थोड़ी सी हल्दी डाल के हम पतले वाले जो पोहे रहते हैं उसको फ्राई कर लेंगे। नमक नहीं डालना है, सिर्फ हल्दी डालना है। तो यहाँ पर मैं शैलो फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा रेड कलर का फ्राई नहीं होगा, शैलो फ्राई, ताकि ये क्रिस्पी बन जाए। और फ्राई करते करते ही ना मैं इसे थोड़ा सा हाथ से देखूंगी कि कितना ज़्यादा क्रंच हुआ है, उसके हिसाब से ही मैं इसे उतार लूँगी। तो देखो ऐसे ही आप लोगों को भी चूड़ा बनाना है ना, तो मैं जो जो टिप्स आपको शेयर कर रही हूँ वो टिप्स ज़रूर याद रखना, तो जो भी बिगनर्स हो जिन्होंने कभी चूड़ा बनाया नहीं है उनके लिए हेल्प में जाएगा। तो यहाँ पे ना ये मैंने एक चावल का बोरा रहता है ना उसे काट के बिछा दिया है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ था नहीं, तो इसे मैंने वॉश कर लिया था पहले दिन और अब मैं इसी में ही सारी चीज़ें मिक्स करने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहली मैं तो मैंने हल्दी डाल के फ्राई किया था, दूसरी बार मैं सादा ही फ्राई करूँगी। हर बार हल्दी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा वो बन जाएगा कि येल्लो येल्लो बहुत ज़्यादा दिखेगा, इसीलिए एक बार हल्दी डालूँगी और एक बार हल्दी नहीं डालूँगी, तो कलर जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे एक एक बार में। तो ऐसा करते करते तो मुझे 6-7 बार हो चुका था और आखिरी में जाके जो है मैंने पूरा डाल दिया, तो इतने हाइट तक बन गया। फिर मैंने तेल में डाला ये मुरमुरा की मात्रा जो है वो कम रहेगी, छोटे छोटे पैकेट में आते हैं 10 वाले पैकेट में, वो मैंने 5 डाले हैं मुरमुरे, इसी को भी मैंने शैलो फ्राई करके यहाँ पे डाल दिया है ताकि जो क्रिस्पीनेस जो है वो बनी रहे चूड़ा में। और फिर मैं यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो फ्राई करती रहूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर मूँगफली फ्राई करूँगी, मतलब इससे ना थोड़ा सा रंग होने तक ही फ्राई करना है ताकि ये चूड़ा खाते टाइम भी अच्छा लगे। ये फ्राई होने के बाद मैं डाल दूँगी कड़ी पत्ते को, कड़ी पत्ता भी बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूंगी, शैलो फ्राई करके इसे उठा लूंगी। हर एक चीज़ ही मैं डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, बस हल्का सा जो है क्रिस्पीनेस आ जाए तभी मैं इसे उतार दूंगी। फिर लास्ट में मैंने दिया मिर्ची। इसके बाद जो है मैं मसाला तैयार करूंगी जो चूड़ा में जाएगा। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ राई, राई को थोड़ा सा फ्राई होने दूंगी, जैसे क्या आवाज़ आती है छिटपट छिटपट एक आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ आएंगी। उसके बाद मैं डालूंगी नमक, नमक डालने के बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, दूसरे जो सारे मसाले हैं हमारे, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके ऐड करते रहेंगे, लेकिन जलना नहीं चाहिए वो चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो पहले ऑयल को गर्म करके जो है गैस का फ्लेम को बंद कर देना है, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें मिलाना है। अगर गैस का फ्लेम चालू रहेगा ना तो मसाले जो है वो जलते रहेंगे, इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। मसाला मैंने जो घर में मेरे थे जीरा पाउडर धनिया पाउडर वही सब डाला है, एक्स्ट्रा कुछ डाला नहीं है मैंने। तो आपके घर में अगर ये भी अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, हल्दी लाल मिर्च पाउडर और नमक से ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मसाला जो है मेरा तैयार हो चुका है। आखिरी में मैं दूंगी थोड़ा सा चीनी, मतलब चूड़ा जो है वो मीठा मीठा लगे, थोड़ा सा तीखा और मीठा दोनों चीज़ लगे, बैलेंस हो जाए। यहाँ पे मैं दे रही हूँ ग्राम दाल जो रहता है वो, और फिर यहाँ पे एक एक करके सारी जो फ्राई वाली चीज़ें हैं वो डालती रहूँगी।
और आखिर में जाके जो है मैं इसे मिक्स करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि एक चीज़ बार बार मिक्स करते रहेंगे ना तो हर जगह पहुंचेगी नहीं। मैं तो कुछ इस तरह ही मिक्स करती हूँ, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। आखिर में मैं दूंगी जो चूड़ा रहता है मार्केट का, वो इससे जो है अगर आपके चूड़ा में नमक कम रहेगा ना तो वो बैलेंस हो जाएगा। फिर मैं इसे मिक्स करना शुरू कर दूंगी। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना मिक्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल तो हो रहा है, बाहर निकल जा रहा था। फिर मैंने ले लिया एक गमला, सिल्वर का गमला था, उसी में जो है मैं बार बार करके मिक्स कर रही थी, तभी जाके जो है ना अच्छे से हो पाया। अदरवाइज मैं ये बोरे पे करती थी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो यहाँ पे मुझे कम से कम 2 या 2.5 घंटे लग गए दोपहर के, जो जो जब तक सोके था तब तक बन गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ये टाइम में मैंने बना लिया, बहुत गर्मी थी यार। तो गाइस चूड़ा बनाना तो हो गया, और इतनी गर्मी में बनाई हूँ ना, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो गर्मी में काम किया, इतना ऐसा लग रहा था कि कुछ ठंडा पीऊँ, तो बाहर जाने का तो कुछ था नहीं, स्कूटी घर पे नहीं था कि आइसक्रीम लेके आऊँ। तो मैंने सोचा दूध है घर में तो उसे थोड़ा सा चिल्ड कर लेते हैं और चॉकलेट शेक बना लेते हैं, जो मैं मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे पीती थी। आज बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि मैं भी घर पे बना के पीऊँ, तो बस बना लिया मैंने ये। इसको मैंने कैसे बनाया इसका वीडियो ना मेरे केकरस चैनल पे आपको मिल जाएगा। वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, घर पर कोई भी बना सकता है। गर्मी के टाइम पर अगर आपके पास मिल्क है ना तो थोड़ा सा चिल्ड करके, थोड़ा सा चॉकलेट तो आपके घर में रहता ही होगा, अगर नहीं रहता है तो 5 रुपीज़ का जो डेयरी मिल्क रहता है उसे खरीद के भी आप बना सकते हो। इसे पी लेते हैं, उसके बाद मुझे होना है रेडी रिसेप्शन में जाने के लिए। जो मैंने शादी वाला व्लॉग अपलोड किया था हल्दी वाला, वही शादी का जो है रिसेप्शन है आज, उसके लिए मुझे रेडी होना है। तो गाइस मेकअप वगैरह मेरा पूरा हो गया है, अभी मैं बस एक हेयर स्टाइल करूँगी और इयर रिंग जो छोट मतलब लाइट वेट ज्वेलरी है वही लगाऊंगी, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ज्वेलरी कैरी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और साड़ी भी मैंने लाइट वेट पहनी है, बट इसकी जो जर्री है ना मतलब जो धागे हैं ना वो थोड़े से चुभते हैं, तो मैं ज़्यादा ज्वेलरी प्रीफर नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही लगाऊंगी और एक सिंपल सा हेयर स्टाइल करूँगी, उसके बाद चलेंगे रिसेप्शन की पार्टी में। तो गाइस जो जो भी रेडी हो गया है,
उसे रेडी करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो चलो मैं और जो जो ही जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड को आने में टाइम लगेगा। नहीं नहीं यांचे पप्पा आता आले तो जो जो मनात आहे पप्पा सोबत येते म्हणून ते त्यांच्या सोबत गेले म्हणून मी एकटीच आले। पप्पा गेले म्हणजे बरं गाइस। मेरे वीडियो शूट करते करते जो जो और उसके पापा भी आ गए थे और हम लाइन में खड़े थे दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देने के लिए। एक ग्रुप जो है उतर रही थी और एक ग्रुप चढ़ रही थी सीढ़ी पे मतलब स्टेज पे। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।